हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग त्रैमासिक परीक्षा जो कक्षा 11वीं जो आपका इतिहास का है, ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा जो अंग्रेजी का है, जो भी जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से आए, ठीक है, पूरा का पूरा। तो यहाँ पर भी हम लोग इतिहास का जो है सेट आपका ए हो बी हो दोनों में सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सबको सही विकल्प पहले लिखना है। तो विश्व में जो शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। इसका उत्तर का वीडियो जो है अगले पार्ट में आएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी जो है केवल प्रश्न नोट करते चले। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको बताना है, ईरान, इराक या फिर मिस्र या फिर चीन। अगला आपका, मेसोपोटामिया की देवी जो इन्नाना थी वो कौन थी, किसकी देवी थी, ठीक है, जल की देवी, वायु की देवी, प्रेमी और युद्ध की देवी या फिर अग्नि की देवी। अगला है, रोमन साम्राज्य का विस्तार जो है कहाँ तक था ये आपको बताना है, यूरोप तक या फिर उत्तरी अफ्रीका या फिर पश्चिमी एशिया फिर उपरोक्त सभी। अगला है, रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ, जो सेनेट का शासन था उसका अंत कब हुआ ये आपको बताना है। छठवां है, किस रोमन सम्राट ने कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था, तो आपको बताना है अगस्टस या फिर जूलियस सीजर या फिर कंस्टेंटाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो जो राजा जमलिम का राजमहल था वो कहाँ स्थित था ये आपको बताना है। अगस्टस कितने ईसा पूर्व में रोम का शासक था, कब था ये आपको बताना है। रोम साम्राज्य में परिवार का प्रचलन था, जो रोम साम्राज्य था उसमें किस परिवार का प्रचलन था ये आपको बताना है, ठीक है। ये 100% आपका पूरा का पूरा आएगा, एक बार विश्वास कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो पिछले पेपर थे वो पूरा का पूरा जो है फंसा था बिना, जिसके आप लोग पछताने से अच्छा है कि इसको लिख लीजिए जरूर, ठीक है। अगला है, विश्व की जो प्रथम कानून संहिता है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको बताना है। मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, चलिए अगला देखते हैं। सत्तसत, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, आपको बताना है कि सत्य है या फिर असत्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा था, तो आपको बताना है किसने कहा था। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नोट्स अड्डा जो है उसको आप लोग सर्च करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है अन्य सारी जो अपडेटेड है वो यहीं पे आप सबको अपडेट की जाएंगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, मेसोपोटामिया के उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं, तो आपको बताना है सत्य है या फिर असत्य। ये सॉलिड जो रोमन साम्राज्य में एक चांदी का सिक्का था। अगला देखते हैं, उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है, जो उर नगर है मेसोपोटामिया के सबसे पुराने नगरों में से एक है। जो ऑक्टेवियन अगस्टस नाम से रोमन सम्राट रोमन सम्राट बना ये आपको बताना है सत्य है फिर असत्य। सही जोड़ी है यहाँ पे आपका सारगन, ठीक है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रही हो तो आपको जो वीडियो क्वालिटी है उसको हाई कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको देखने में या फिर लिखने में कोई परेशानी ना हो। दूसरा है एम्फोरा, तीसरा है सेलिडस, चौथा है टेसिटस, पांचवा है गिलगेमिस, छठवा है दिनारियस, छठवा है निनवे। चलिए अगला देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी भाषा है वो कौन सी थी ये आपको बताना है। दूसरा है ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, तीसरा टिबेरियस कौन था, चौथा है मेसोपोटामिया सभ्यता के पत्थर में पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे उनको क्या कहते हैं, पांचवा है सेनेट क्या है, छठवां रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा किया जाता है या होता है, सातवां है 19वीं ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से रोमन साम्राज्य का कौन सा नगर दफन हो गया था जो विज्ञापन और अभिलेखन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न क्रमांक छठवां आपका देखते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के मध्य हुआ, अथवा है सीमार का शाब्दिक अर्थ लिखिए। चलिए आपका प्रश्न क्रमांक सात देखते हैं, जो क्यूनिफॉर्म है उसका शाब्दिक अर्थ बताना है यहाँ पे आपको क्यूनिफॉर्म का, ठीक है। अगला है, मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार से क्या अभिप्राय है, जो मेसोपोटामिया समाज है उसमें एकल परिवार से क्या अभिप्राय है। सुमांग सत्वा है, एम्फोरा क्या है, एम्फोरा जो है वो क्या है आपको बताना है, रोमन शहरों की कोई दो विशेषताएँ, ठीक है, आप लोग पूरा का पूरा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, आपका जो कल का पेपर है उसमें पूरा का पूरा यही आएगा 100%, ठीक है, क्योंकि जो हमारे सारे पेपर जो हैं यहीं से फंसते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा आपका जो एक बार विश्वास जरूर कीजिएगा, बिना झिझक के पढ़ के जाइए, ठीक है, पछताने से बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका जो पूरा का पूरा पेपर है इसी तरह देखने को मिलेगा।
थोड़ा प्रश्न इधर उधर हो सकता है, लेकिन आएगा पूरा यही। जिगुरात किसे कहते हैं? या मेसोपोटामिया के शहरीकरण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, उर नगर की खुदाई कब हुई थी? जो उर नगर है उनकी खुदाई कब हुई थी, इनमें किसके प्रमाण मिले थे? अथवा है, मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ? जो मेसोपोटामिया में जो अन्य सभ्यताएं हैं उनकी किन सभ्यताओं का विकास हुआ? प्रश्न क्रमांक 11 है, इक्वाइट्स किसे कहा जाता था? जो इक्वाइट्स है वो किसे कहा जाता था, या फिर वर्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? जो वर्ष वृत्तांत है उससे आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 12 है, कैस्टेला क्या है? जो कैस्टेला है वो क्या है, या फिर सॉलिडिस किस धातु से निर्मित सिक्का तथा इसे किसने चलाया था, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके लिए आपको कमेंट में आंसर जो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेसल जो 20 है वो क्या है, उससे क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। पेपायरस क्या है, इसका उपयोग बताइए। प्रश्न क्रमांक 14 है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय? जो रोमन साम्राज्य था उसमें गणतंत्र से क्या अभिप्राय है, या फिर फेकिशंस क्या है, इसमें किसका उपयोग किया जाता था? प्रश्न क्रमांक 15 है, वर्कशीट के बारे में लिखिए। जो वर्कशीट है उसके बारे में लिखना है। अथवा मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह शब्द किस भाषा में बना है? प्रश्न क्रमांक 16 है, राजा जो जमलिम का जो मारे स्थित जो राजमहल है उसके बारे में संक्षिप्त आपको परिचय देना है। अथवा मेसोपोटामिया सभ्यता के जो कृषि व्यवसाय है उसके बारे में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 है, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी करना है। जो रोमन साम्राज्य है उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में लिखना है। रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति व्यवहार की विवेचना, जो रोमन साम्राज्य था उसमें दास के साथ कौन कौन से व्यवहार किए जाते थे, इसकी विवेचना करना है। प्रश्न क्रमांक 18 है, मेसोपोटामिया की जो लोखन कला है उसको समझाना है। अगला है, अथवा मेसोपोटामिया संस्कृत में शहरों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में कौन तीन मुख्य खिलाड़ी थे? प्रत्येक के बारे में दो दो पंक्तियां लिखना है। अथवा आपका, रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन ने मौद्रिक प्रणाली में कौन कौन से परिवर्तन किए थे? प्रश्न क्रमांक 20 है, उर नगर की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जो उर नगर है उसकी प्रमुख जो विशेषता है उसका व्याख्या करना है। अथवा है, मेसोपोटामिया में शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई, इसका विश्लेषण करना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, रोमन समाज की साक्षरता की स्थिति का विस्तार से वर्णन करना है। अथवा है, रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, ये कहना क्यों सही होगा कि खनाब दोष पश्चारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? आपका अथवा है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है 1 से 22 तक जो आपका पूरा का पूरा प्रश्न है उसको हमने यहाँ पे जो है देखा है, ठीक है। अगली बार हम लोग आपके साथ एक नए जो आंसर है उसके साथ जो है आप सबके सामने जो है प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए।